WWE और यूनिवर्सल टाइटल यूनिफाइड के बाद अब टैग टीम टाइटल भी यूनिफाइड होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको ये लाइन जानी पहचानी सी लग रही है, ये मैं नहीं रोमन रेंज ने कही है। क्या रोमन रेंज की टाइटल की भूख और बढ़ गई है? अब क्या इसके मायने हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, रीसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज ने अपने प्रोमो में जो लाइन कही थी वो आपको सुना देता हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि स्मैकडाउन और यूनिवर्सल चैंपियनशिप काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने ब्रॉक लेसनर को भी स्मैश करके WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। रोमन रेंज कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, बट ब्लड लाइन को अभी भी बहुत कुछ करना है। दी यूसोस के लिए टैग टीम टाइटल को यूनिफाई करने का वक्त आ गया है। रोमन रेंज डिमांड करते हैं और कहते हैं कि मैं आता हूं कि जे उसो और जिमी उसो अपने और ब्लड लाइन के लिए रॉ टैग टीम टाइटल भी जीत लें। इससे ये साफ हुआ कि रोमन रेंज स्मैकडाउन में जो अपना नेक्स्ट स्टेप बताने वाले थे वो ये था। इट मींस अब उसोस जो कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस हैं, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रॉ टैग टीम टाइटल भी जीत लें, फिर उनको भी यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस कहा जाएगा। वहीं रेसलमेनिया 38 से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में और रेसलमेनिया 38 के बाद वाले रॉ के एपिसोड में आरके ब्रो वर्सेज उसोस के बीच टैग टीम मैच भी देखने को मिले थे, जिसका उस टाइम मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बट अगर उसोस और आरके ब्रो बैकलैश पीपीबी के लिए फ्यूड में आते हैं तो फिर इन मैचेस का मतलब यही था कि WWE इनको टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में बढ़वाने के लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि अभी तक WWE और यूनिवर्सल टाइटल को यूनिफाइड नहीं किया है, मे बी आने वाले टाइम में कर दें, बट रोमन रेंज एज अ ड्यूअल चैंपियन के तौर पर ही दिखाई दे रहे हैं। यूनिफिकेशन का मतलब ये था कि दो टाइटल को मिला के एक कर दिया जाएगा। अब अगर WWE और यूनिवर्सल टाइटल मिला के एक टाइटल बनेगा और फिर अगर उसोस स्मैकडाउन और रॉ टैग टीम टाइटल भी जीत लेते हैं तो उनको मिला के भी एक टैग टीम टाइटल रह जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं WWE आने वाले टाइम में ब्रांड स्प्लिट खत्म करने वाली है और फिर एक ही टैग टीम टाइटल और एक ही वर्ल्ड टाइटल WWE में रह जाएगा। अब देखिए, रोमन रेंज पे WWE और यूनिवर्सल टाइटल पहले से ही है। अब अगर उसोस दोनों ब्रांड के टैग टीम टाइटल भी जीत लेते हैं तो ब्लड लाइन पे WWE के चार सबसे बड़े टाइटल होंगे। ऐसा करके WWE ब्लड लाइन को WWE हिस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्शन दिखाने की कोशिश करेगी। वैसे ये तो WWE से पूछा जाना चाहिए कि ब्लड लाइन अब तक एक साथ किस फैक्शन के साथ फ्यूड में दिखाई दी है, क्योंकि उसोस सेपरेट और रोमन रेंज सेपरेट फ्यूड में ही दिखते चले आए हैं। जैसा कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंज का अपोनेंट कौन होगा उसके तौर पर नाकामुरा सामने आए हैं और रोमन रेंज को कन्फ्रंट करा। अब नाकामुरा कुछ कह नहीं पाए हैं, बट माना जा रहा है कि नाकामुरा ही रोमन रेंज के नेक्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं। वैसे भी आपको याद हो तो जनवरी 2021 में रोमन रेंज का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा उसके लिए गॉन्टलेट मैच हुआ था, जिसको नाकामुरा ने जीत लिया था, बट ब्लड लाइन ने एंड में उस मैच में एडम पियर्स को ऐड करवाया, नाकामुरा को एडम पियर्स से पिन करवाया और फिर उसके बाद नाकामुरा को रोमन रेंज के खिलाफ मैच नहीं मिल पाया था। बट आपको याद दिला दूं, नवंबर 2021 में हुए ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में रोमन रेंज वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा था, जिसे रोमन रेंज ने जीत लिया था। वैसे देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है दोनों ब्रांड के चैंपियंस को भिड़वाने का, बट ये WWE है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं ऐसा होता दिखता है या नहीं, ये तो आने वाले रॉ के एपिसोड में क्लियर हो ही जाएगा कि दोनों टैग टीम चैंपियंस एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि WWE का टैग टीम टाइटल को यूनिफाइड करने का आइडिया कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।